So the book of Job has been a tremendous encouragement for me and my family. योब से योब की किताब से मुझे और मेरी मेरे परिवार को बहुत प्रोत्साहन मिलता है. So I had heard Brother Zach through the Bible message in the book of Job even before I had read that book when I was quite young. So मैंने Brother Zach का वो Job के ऊपर message सुना था वो book पढ़ने से पहले. And it was a tremendous source of encouragement because I saw or I heard rather the life of Job and I could relate with that a lot. और उससे बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन मुझे मिला क्योंकि मैंने जब अय्यूब का जीवन देखा उससे मुझे मैं अपने जीवन से बहुत ही रिलेट कर सकता था. तो व्हाट वुड हैपन इज दैट वेरी सिमिलर टू जॉब्स लाइफ इवन माय फैमिली वाज गोइंग थ्रू अ पीरियड ऑफ सिमिलर सॉर्ट सिमिलर प्रॉब्लम्स. तो जॉब के जॉब के उदाहरण के द्वारा मेरा परिवार भी वो सिमिलर वैसे मुश्किलों के द्वारा जा रहा था उस समय. सो व्हाट हैड हैपेंड वाज यू नो प्रायर टू द ईयर 2000 आर बिजनेस वाज डूइंग रियली वेल. सो साल 2000 के पहले हमारा परिवार का जो बिजनेस है वो बहुत अच्छा चल रहा था. आवर ईयरली टर्नओवर वाज क्लोज टू 75 लाख रुपीस. सो साल की कमाई अराउंड 70 लाख रुपए के करीब थी. 75 लाख रुपीस पर ईयर 16 इयर्स अगो वाज अ लॉट ऑफ मनी. 75 लाख रुपया एक साल के लिए 16 साल पहले बहुत ही बड़ी बात थी. वी हैड अराउंड 40 एम्प्लॉयज. हमारे यहाँ 40 कर्मचारी थे. फ्रॉम देयर वेरी सून यू नो वी वर एक्सपोज टू ब्रदर जैक्स टीचिंग्स. वी स्टार्टेड लिसनिंग टू हिज मैसेजेस. सो वहाँ से हमें ब्रदर जैक के टीचिंग्स और मैसेजेस उस समय सुनने को मिले. सो वी सॉर्ट ऑफ केम इन टू द ट्रूथ. वी वर इन अ प्लेस अ चर्च बट वी वर नॉट एक्सपोज टू ऑल द राइट ट्रूथ्स. देन वी वर एक्सपोज टू द ट्रूथ्स. सो वहाँ से जहाँ हमको सब सच्चाई नहीं पता थी वहाँ से हमको सच्चाई पता चलने लगी. सो नॉर्मली आर एक्सपेक्टेशन वुड बी दैट ओके नाउ वी आर गेटिंग क्लोजर टू गॉड सो द ब्लेसिंग शुड इंक्रीज. सो नॉर्मली हमारा सोच ऐसा था कि हाँ अब हम परमेश्वर के करीब जा रहे हैं तो हमारे आशीषें बढ़नी चाहिए. बट द ऑपोजिट हैपेंड. बट उसका एकदम विरुद्ध हो गया. ऑल सॉर्ट्स ऑफ हेल्प ब्रोक लूज. सारी प्रॉब्लम्स. सो बहुत ही सारी कठिनाइयाँ आ गई उसके बजाय. Our business went for a toss. हमारा business एकदम loss में जाने लगा. Gradually the turnover came from 75 lakhs to less than 1 lakh rupees per year. धीरे धीरे 75 लाख की कमाई 1 लाख से भी कम की हो गई. From 40 employees we came down to 1 employee. So 40 कर्मचारियों से हम खाली हमारे पास एक ही कर्मचारी था. And in the midst of this there was other problems in the family, sickness and what not. और उसके बीच में दूसरी परेशानियां थी फैमिली में परिवार में बीमारी और सब कुछ. डेज वेर इन यू वॉन्ट टू बाई मेडिसिन यू डोंट हैव मनी टू बाई मेडिसिन. तो ऐसे दिन थे जब दवाई खरीदनी थी दवाई खरीदने को पैसे नहीं थे. यू नो सच डिफिकल्ट डेज. आई रिमेंबर वन सच यू नो पीरियड व्हेन आई वाज आई थिंक इन द 8th और 9th स्टैंडर्ड. तो ऐसा एक समय था एक पीरियड था मुझे याद आता है जब मैं 8वीं या 9वीं कक्षा में था. वेर इन यू नो वी हैव डन सम वर्क इन आवर बिजनेस बट आवर पार्टीज दे आर नॉट पेइंग अस. तो ऐसा समय था जब हम काम कर रहे थे हमारे क्लाइंट्स के लिए बट वो हमें पैसा नहीं दे रहे थे. बट वी कांट यू नो स्टॉप फ्रॉम गिविंग आवर वर्कर्स देयर सैलरी. सो वी हैव टू गिव देम मनी. बट हमें हमारे कर्मचारियों को तो पैसा देना था उनका पगार तो देना पड़ रहा था. सो आफ्टर मेनी सच मंथ्स वी केम टू अ प्लेस वेयर द ओनली मनी वी हैड ऑल द मनी दैट वी हैड वर अ फ्यू कॉइंस. और काफ़ी महीनों के बाद एक समय ऐसा आ गया कि पूरा पैसा जो था हमारा वो सिर्फ कुछ सिक्के थे. एंड आई रिमेंबर बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ मनी द फोन कनेक्शन वॉज कट बिकॉज वी कुड नॉट पे द बिल. और मुझे याद है कि पैसा नहीं होने के कारण फोन का कनेक्शन काट दिया गया था. सो देन दैट लिटिल कॉइन्स दैट वी हैड एवरी डे वी वुड सॉर्ट ऑफ बी वेरी केयरफुल विद इट. और फिर जो कुछ सिक्के हमारे पास थे हर दिन हम बहुत ही सावधानी से उसको खर्च करते थे. बिकॉज एवरी ऑल्टरनेट डे आई वुड गो एंड पुट दैट 1 रुपी कॉइन इन द पीस यू नो बूथ टेलीफोन बूथ टू मेक अ कॉल टू द क्लाइंट सेइंग कि व्हेन आर यू गोना पे. क्योंकि हर दूसरे दिन मैं जाता था पीसीओ में वो सिक्का डाल के क्लाइंट को कॉल करता था पैसे मांगने के लिए. सो आई टू रिमेंबर यू नो एवरी डे ओके दिस मेनी कॉइन्स आई कैन मेक दिस मेनी कॉल्स यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. तो हर दिन मैं हिसाब रखता था अच्छा इतने सिक्के हैं मेरे पास तो मैं इतने फोन कर सकता हूँ. व्हेन आई लुक बैक ओवर दोस डेज आई रियली डोंट नो हाउ वी केम थ्रू टिल हियर. तो जब मैं याद करता हूँ उन दिनों को मुझे समझ में नहीं आता कि मैं यहाँ कैसे आ गया. यू नो वी रीड इन द बुक ऑफ जेम्स. तो जेम्स की किताब में हम पढ़ते हैं चैप्टर 5 पांचवा अध्याय वर्स 11 ग्यारहवा वचन.
वी काउंट दोस ब्लेस्ड हु एंड्योर्ड. रीड इन हिंदी ऑल्सो, जस्ट होल्ड ऑन. देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं. तुमने आयुब के धीरज को विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ है उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है. रीड इंग्लिश. ओके, ठीक है. सो वी काउंट दोस ब्लेस्ड हु हैव एंड्योर्ड. यू हैव हर्ड ऑफ द एंड्योरेंस ऑफ जॉब एंड हैव सीन द आउटकम ऑफ द लॉर्ड्स डीलिंग्स, दैट द लॉर्ड इज फुल ऑफ कंपैशन एंड इज मर्सीफुल. व्हेनेवर गॉड टेक्स यू थ्रू डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स. तो जब भी परमेश्वर हमें कठिनाइयों के द्वारा ले जाता है, यू कैन बी ऑलवेज बी श्योर दैट देयर इज गोइंग टू बी एन आउटकम ऑफ इट. हमें हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि उसका कुछ प्रतिफल मिलेगा. एज वी रीड एंड हैव सीन द आउटकम ऑफ द लॉर्ड्स डीलिंग्स, और जैसे हम पढ़ते हैं कि हमने परमेश्वर के परिणाम से एक परिणाम देखा है. तो What happens is when you're going through problems, you don't want to go through those problems. तो क्या होता है, हम जब कठिनाइयों के through जाते हैं हमें उसके द्वारा जाना नहीं होता है. But when you look back, once you've come through those problems, when you look back, you see the outcome of the Lord's dealings. बस कठिनाइयों से बाहर निकलने के बाद जब हम पीछे देखते हैं तो हम वो फल देखते हैं जो प्रभु हमारे लिए रखा था. I am absolutely sure. मैं एकदम ही श्योर हूँ. दैट इफ आई एंड माई फैमिली, स्पेशली मी, इफ आई हैड नॉट गॉन थ्रू दो थिंग्स एट दैट टाइम, कि मैं और मेरा परिवार अगर उन दिनों और उन चीज़ों के द्वारा अगर नहीं गया होता, आई वुड नॉट बी हियर टुडे. मैं यहाँ पे नहीं होता. आई वुड हैव बीन अ क्रिश्चियन भी. मैं भी एक मसीह होता. बट आई वुड नॉट बी हियर इन दिस चर्च. बट मैं यहाँ इस चर्च कलीसिया में नहीं होता. सो टुडे व्हाट इज माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोज डिफिकल्ट टाइम्स. So, आज मेरा अंडरस्टैंडिंग क्या है उन दिनों के बारे में. इट इज व्हाट इट सेज इन दैट सेम वर्स, वर्स 11, दैट द लॉर्ड इज फुल ऑफ कंपैशन एंड इज मर्सीफुल. तो वो उस वचन में लिखता है कि प्रभु करुणाहित है और बहुत ही रहम खाता है. सो व्हाट वी कम टू, व्हेन गॉड टेक्स यू थ्रू दीज डिफिकल्ट ट्रायल्स एंड यू हैव अ राइट एटीट्यूड टुवर्ड्स देम. तो जब परमेश्वर इन चीजों के द्वारा ले जाता है तो हमें बहुत ही सही दृष्टिकोण रखना चाहिए उसके अगेंस्ट. इफ यू हैव दैट राइट एटीट्यूड, यू विल कम आउट एंड एक्सपीरियंस गॉड्स गुडनेस. तो वो अगर तुम्हारा दृष्टिकोण होगा तो आप उसके बाहर जब आओगे तो वो आप परमेश्वर का आशीष महसूस करोगे. यू विल नॉट बी बिटर टुवर्ड्स गॉड. आप परमेश्वर के अगेंस्ट में कड़वे नहीं रहोगे. इवन दो ड्यूरिंग दैट टाइम यू मे बी नॉट नोइंग व्हाट गॉड इज डूइंग एंड यू मे क्वेश्चन दिस एंड दैट, बट इफ यू कंटिन्यू टू स्टिक टू द फेथ, यू विल कम आउट एंड रियलाइज दैट गॉड इज गुड. हालांकि उन परेशानियों के द्वारा आप सवाल उठाएंगे कि ये या वो, बट जब आप उसके थ्रू बाहर आके जब उसका परिणाम देखोगे तो आप गॉड परमेश्वर के वचन से एकदम चिपके रहोगे. यू मे वंडर, ओके, यू नो व्हाट, आई हैव लेफ्ट अ चर्च एंड आई हैव कम हियर, और आई हैव लेफ्ट अ फैमिली, आई हैव कम हियर टू द फेथ. आप में भी सोचोगे, आपको पता है क्या कि मैंने अपना परिवार छोड़ दिया या मैंने कोई और चीज़ छोड़ दिया और मैं प्रभु में आया हूँ. एंड इंस्टेड ऑफ द लॉर्ड एग्जॉल्टिंग मी, आई एम गोइंग थ्रू मोर प्रॉब्लम्स. और परमेश्वर को मुझे उठाने के बजाय मैं और ही गिर रहा हूँ और ही परेशानियों के थ्रू जा रहा हूँ. हाउ एम आई सपोज टू विटनेस टू माय फैमिली एंड माय यू नो अदर पीपल अबाउट द लॉर्ड इफ द लॉर्ड इज गोना टेक मी थ्रू सो मेनी प्रॉब्लम्स. मैं बाकी लोगों को कैसे गवाही दूंगा जब मेरे परिवार को या दूसरे लोगों को अगर जब परमेश्वर मुझे गिरा रहा है. God's ways are not our ways. But प्रभु के रास्ते हमारे रास्ते नहीं है. We may look at someone's life, even a worldly believer, and wonder, you know, why is everything going so well with them? हम किसी और को देख सकते हैं, कोई दूसरा दुनिया का व्यक्ति, और सोच सकते हैं कि उसके साथ इतना अच्छा कैसे हो रहा है. And we will wonder why God is so hard on us. और हम सोच सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें इतना दुख क्यों दिया है. But you know what the Lord says? But परमेश्वर क्या कहता है पता है? I am interested in your eternity. मैं तुम्हारे अनंत काल के जीवन में दिलचस्पी रखता हूँ. आई एम नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन गिविंग यू अ कंफर्टेबल लाइफ ऑन दिस अर्थ. मैं सिर्फ इसमें दिलचस्पी नहीं रखता हूँ कि तुम्हें एक ऐशो आराम का जिंदगी दूँ. द पीपल दैट यू आर राइट नाउ एनवीइंग, द अनबिलीवर रिलेटिव्स और द वर्ल्डली बिलीवर्स, आप जिससे जो जिसकी तरफ इशारा रखते हो उसकी तरह नहीं हो. यू डोंट नो व्हाट देयर एंड इज. तुमको नहीं पता उनका अंत क्या होगा. बट यू हु आर सफरिंग राइट नाउ, आई नो व्हाट एंड इज गोना बी. बट तुम जो परेशानियां उठा रहे हो मुझे पता है कि तुम्हारा अंत क्या होगा. योर एंड इज गोना बी दैट यू गोना कम आउट ऑफ ऑल दीस प्रॉब्लम्स. तुम्हारा अंत ये है कि तुम इन सारी कठिनाइयों के से बाहर निकलोगे. यू गोना टेस्टिफाई दैट द लॉर्ड इज फुल ऑफ कंपैशन एंड इज मर्सीफुल. और तुम ये गवाही दोगे कि परमेश्वर पूरा करुणामय और दयालु है. इफ आई हैव रिसीव्ड ऑल द ब्लेसिंग्स,
Even an unbeliever will say, the Lord is full of compassion and merciful. अगर मुझे सिर्फ आशीष ही मिली तो एक unbeliever भी बोलेगा कि हाँ Lord is कि परमेश्वर करुणा है और करुणामय और दयावान है. But God makes you a witness in front of the world. बट परमेश्वर आपको एक गवाह बनाएगा पूरी संसार के सामने. By taking you through an experience like Job, एक जॉब के सिचुएशन के थ्रू लेके जाएगा उसके तरह के सिचुएशन के. एंड इवन आफ्टर दैट यू कैन टर्न अराउंड एंड से द लॉर्ड इज फुल ऑफ कंपैशन एंड इज मर्सीफुल. उसके बाद भी आप पीछे मुड़ सकते हो और बोल सकते हो कि परमेश्वर करुणामयी और दयालु है. दैट इज व्हाट गॉड वांट्स टू डू इन आवर लाइव्स. तो यही परमेश्वर हमारी जिंदगी में करना चाहता है. माय बर्डन माय लाइफ शुड बी अ मैसेज नॉट माय वर्ड्स. तो ये मेरा बर्डन है कि मेरा जीवन एक मैसेज होना चाहिए ना कि मेरे शब्द.